डिग्रियां तो तालीमों के खर्चे की रसीदें हैं, इमरत तो वो है जो अपने व्यवहार में झलकता है। जिंदगी में अगर आप बनने हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनिए। हमारे दिमाग ज्यादा ताकत हमारे दिल में होती है। बीच बीच में ना सर टीचिंग भी अभी अलग करनी पड़ रही है, उसको थोड़ा सा पढ़ाया, बीच में कुछ ऐसा मसाला डाल दिया ताकि बच्चे हंस गए। कोई चिंता नहीं, हो रहा है ठीक है, तेरा जो मन कर रहा है वो कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं अमित पाल सिंह जी से, जिनको 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये फाउंडर डायरेक्टर हैं PCI किच्छा उत्तराखंड में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा अपने कोचिंग में आके मिल के। जी थैंक यू सर। सर जैसे अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जैसा आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो टीचिंग का है उसमें है, तो थोड़ा सा आप उन विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहेंगे जो इस समय किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे शुरुआत करें? तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के लिए सबसे व्यवहार पे अपना ध्यान देना चाहिए बच्चों को। डिग्रियां तो तालीमों के खर्चे की रसीदें हैं, इमरत तो वो है जो अपने व्यवहार में झलकता है। UPSC अगर बच्चा आना चाह रहा है तो ये नहीं कि उन्होंने देख लिया कि रील्स देख रहे हैं बच्चे आजकल, तो उसको देख के कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में आ जा रहा है। तो सबसे पहले उसको ये समझना है कि मेरा एक्चुअल में मैं करना क्या चाहता हूँ देश के लिए। सबसे पहले जिला के लिए, जब DM बनता है कोई तो उसे जिला दिया जाता है कि एक्चुअल में बनना ही चाहता है या सिर्फ रुपये के लिए, फेम के लिए, परिवार के लिए ही सब बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले उसे वो समझना चाहिए। फिर 12th करने के बाद में जो ग्रेजुएशन वो कर रहा है, जैसे अभी जो भी सब्जेक्ट्स वो कर रहा है, आजकल IIT से बच्चे निकाल रहे हैं, BTech वाले ज़्यादा, अभी पिछले साल का रिजल्ट जो 2023 का पेपर आया बहुत हार्ड आया है, उसमें ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम वालों से ही हुआ था। तो इसमें दिक्कत है कि हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो अपना ग्रेजुएशन BA कर ले, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, वहाँ से उसका 3 साल में वो कवर हो जाएगा। और 3 साल में कवर होने के बाद में जब वो पढ़ेगा कंपटीशन का, 2 साल का जो UPSC का कोर्स है उसको कम लगेगा थोड़ा सा, तो अपना अच्छे से कवर कर पाएगा मेन सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो उसको अच्छे से कवर हो। फिर उसको कम सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे अर्थव्यवस्था हो गई, हिंदी हो गई, तो उसको थोड़ी सी ये हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जैसे हम उस समय पे थे तो हमें इतना कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये भी करिए। आजकल टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हल्द्वानी में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बताने वाला घर पे बहुत होना जरूरी कि बेटा आप इस क्षेत्र में आगे जा सकते हो, कंपटीशन के क्षेत्र में ही जाइए या फिर स्पोर्ट्स में ही जाइए, सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे हम कंपटीशन की बात करें तो जैसे आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये कहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए? अगर हम बात करें कहाँ पे हिस्ट्री कैसे शुरू करें, क्योंकि उनने तो 10th के बाद हिस्ट्री पढ़नी छोड़ दी है और उसके बाद उसने अपना 11th 12th किया है, उसके बाद या तो BSc करी है या उसने IIT में गया, इंजीनियरिंग करी है या MBBS किया हुआ है, लेकिन अब उसको फिर से जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, तो वो कहाँ से शुरुआत करें? ये तो है, फिर उन्हीं बच्चों को दिक्कत भी रहती है। हाँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत में अगर उसे करनी है तो NCERT उसको लेनी है। ठीक, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो इंग्लिश मीडियम की 6 से 12 तक की वो मार्केट से सेकंड हैंड ले आए। पॉलिटी की भी मिल जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी उसकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, कोई भी साइड वो खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो इन 3 किताबों को ले ले, फिर बाद में जरूरत पड़ रही है तो उनकी साइड बुक्स फिर आती हैं, उसको बहुत अच्छे से पहले ये क्लियर हो जाएगी, तो लगेगा कि एग्ज़ाम में कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है। क्योंकि जब तक बच्चा NCERT नहीं पढ़ेगा आजकल, वो PCS एग्ज़ाम में बैठना उसका बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी सर। अच्छा ठीक है, अब सर यहाँ पे थोड़ा सा हम अब पर्टिकुलर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जैसे आप उत्तराखंड के जो आपके स्टूडेंट हैं उनको भी आप तैयारी करवाते हैं, तो उत्तराखंड में जो है एग्ज़ाम बहुत लेट में आपके होते हैं, वैकेंसी आपकी कब आती है, नोटिफिकेशन कब आता है, जनरली एक मजाक के तौर पे यहाँ पे कहा जाता है कि ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पे जो है वो चलाई जाती है, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे या वो खुद को कैसे मोटिवेट रखें इतना लंबे टाइम तक पढ़ने में? इसके लिए हमेशा प्लान भी थोड़ा सा तैयार रखे बच्चों। पहली चीज़ तो कि अगर सपोज़ SI का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम बच्चा निकालना चाह रहा है, और अपने यहाँ थोड़ा सा ये सुधार गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं, जैसे 2024 में इलेक्शन आए तो अभी आबकारी का पेपर इन्होंने करवा दिया, SI का करा दिया, PCS का शायद अगले ही मंथ है, तो खिलवाड़ ये इतना रुकना चाहिए कि अगर उनके घर की स्थिति कैसी है। अभी जैसे मेरे पास बच्चा पढ़ा था, तो लड़की पढ़ी थी, तो उसकी 26 साल में उन्होंने कोई फॉर्म भरा था, घर के रिश्ते लड़कों को चलो रोक लेता है लेकिन लड़कियों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मम्मी पापा को रोक करके उसने 2 साल कैसे भी लगाए, 28 हो गई, रिश्तों को लड़ करके उनने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा हमारे यहाँ, तो मैंने उन्हें छोटे बच्चों को ट्यूशन दे दी उसे। मैंने कहा तू पढ़ ले,
और ट्यूशन पढ़ा और अपनी पढ़ाई करते रहे, ठीक घर से पैसे हाँ, उसने नहीं, ठीक है। तो एक ये समस्या बहुत है बहुत गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे देश में कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए लेकिन गरीब बच्चा जो है उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, तैयारी तैयारी और तैयारी, क्योंकि बिजनेस भी वो नहीं लगा सकता इतना पैसा। तो आत्मविश्वास थोड़ा सा बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और अच्छे लोग उसको मिल जाएं तो ये। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कोचिंग ज़रूरी है, हाँ या ना? कोचिंग या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है? अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर अपने फ़ायदे की बात नहीं करूँगा हाँ। तो कोचिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर कोचिंग आता भी है तो सिर्फ एक कोचिंग संस्थान जो है डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो तैयारी करता है वो बच्चा खुद ही करता है। जैसे आप कोई नॉर्मल बच्चा है जिसको कंपटीशन के क्षेत्र में आया, तो उसे अगर 3 साल लग रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, बुक्स प्रोवाइड करने में, तो जैसे जो मेरी मदद है तो मैं उसे बुक्स बता दूंगा तुरंत, जो वो किसी और के द्वारा मिलेंगी उसे यूट्यूब पे वो मैं तुरंत बता दूंगा, उसे मैं टाइम टेबल बता सकता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम टेबल हो गया, पर डे का टाइम टेबल हो गया कि बेटा आप ये नहीं ये पढ़ लो, 2 घंटे हिंदी पढ़ लो, 2 घंटे ज्योग्राफी, तो इन चीज़ों से हेल्प करते हैं कोचिंग संस्थान। लेकिन सब कुछ जो डेडिकेशन है, हिम्मत है बच्चे को बदलने की, कुछ अपने पेरेंट्स के माँ बाप का सपना पूरे करने की, वो सिर्फ खुद ही वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम ना आपके आपके पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की हम बात करें, जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही थी कि क्या करना चाहिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें क्या बता सकते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए, तब वो सफलता प्राप्त कर लेंगे? इसमें सबसे पहले जो रोकना बच्चे को बहुत मुश्किल होता है कंपटीशन के क्षेत्र में, जैसे कहते हैं कि प्यार करने की और पढ़ाई करने की उम्र एक ही होती है, ठीक है हाँ। तो बच्चे वहाँ पर जो है कई बार रिलेशनशिप्स भी एक जैसी नहीं मिल पाती है, कि वो पढ़ रहा है लड़का पढ़ने वाला है, लड़की नहीं पढ़ने वाली है, तो बच्चों का वो एज होती है कि दोस्ती करने की, फ्रेंडशिप करने की, ठीक है। तो वो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए अगर कोई, हाँ हमने जैसे कनिष्क कटारिया IAS जो 2007 निकले थे, तो उनने उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी लड़की थी, उनने उसको सपोर्ट करा, हाँ, पढ़ाई हाँ, में सपोर्ट करा, तो उसका भी एग्ज़ाम निकला। तो ऐसे दोस्त को अगर साथ लेके चल रहे हो तो ठीक है, उतना उस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बचना, ठीक है सर। थोड़ा सा फिर हम ना आपके जो आपका पर्टिकुलर अपना एक्सपीरियंस है जो दिल्ली में आपने कोचिंग की थी, उसमें थोड़ा सा आप बताना चाहोगे कौन सा इंसिडेंट आप यहाँ पर शेयर करना चाहोगे? जी UPSC में जैसे अभी बीच में शुरू में सबसे पहले अपने घर की स्थिति से मैं बताता हूँ, तो जो बदलने का कुछ रहता है, तो शुरू से ही एग्ज़ाम निकालने की बारी हो गई, तो मैं दिल्ली गया, वहाँ पर प्रिपरेशन करी और अटेम्प्ट्स भी दिए, प्री एग्ज़ाम भी निकला, मेंस भी दिया मैंने, IAS का मेंस दिया, IAS का मेंस भी दिया। तो कभी कभी जैसे यह हो जाता है कि भगवान आपको किस लिए बनाया है, ठीक है, राजा बनने के लिए बनाया है, राजा बनाने के लिए बनाया, ठीक है, तो वो चीज़ बाद में समझ में आती है कई लोगों को, बच्चों को भी यही डिसाइड करना कि आपकी जो मेनली स्किल है, जैसे अभी यहाँ पर भैया बैठे हैं, किसी का आजकल इंटरेस्ट एडिटिंग में, ठीक है, किसी का फोटोग्राफी में है, किसी का पढ़ाने में बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है वो टीचिंग में, तो वो IAS की जॉब भी नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं बन सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक समय पे बच्चे को खुद अपनी स्किल पहचाननी चाहिए, जैसे मैं अभी पहचान चुका हूँ कि मेरे को, मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छे से 9th 10th बहुत अच्छे से, एक एक साइंस में फिजिक्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल प्रिपरेशन चाहे कराने की होगी, तो उसमें मेरे को, मैं 18 घंटे सर काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, संस्थान में 18 घंटे लगभग 5 या 6 घंटे सोता हूँ, और जब नींद आती है शाम को तो बहुत अच्छी आती है, तो इसी चीज़ की खुशी होती है अंदर, हाँ घर के लिए कर भी पा रहे हैं, फाइनेंशियली भी कर पा रहे हैं, और एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें थकान नहीं होती है। वो तभी बच्चा पहचान पाएगा जब उसे अपनी स्किल मिल जाएंगी, अपने स्किल पे वो पैसे कमाने लग जाएगा, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे विकास सर दिल्ली उन्होंने जॉब थे, खुद IAS से जॉब छोड़ी, केजरीवाल जी जॉब छोड़ी सिर्फ स्किल के, अपने किस राजनीति में, अपने राजनीति में, अभी अपने क्षेत्र को पहचानने को से, तो थोड़ा सा ये बच्चे अपने काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपका जो 9th 10th वाले बच्चे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो उनको पढ़ाई में क्या ध्यान देना चाहिए? स्कूल में सर अभी एजुकेशन में बात करें तो ज़्यादातर बिजनेस ही हो गया, ठीक है। प्राइवेट स्कूल जितने भी आप देखेंगे, गवर्नमेंट तो खैर हमारे यहाँ कमी अभी है एजुकेशन, दिल्ली में खैर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में
कुछ प्राइवेट स्कूल अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बदलने का ये है थोड़ा बिजनेस मॉडल ना बनाएं जिससे समाज हमारा बढ़ चुका है सर अभी। समाज कैसे बढ़ चुका है, जो बेचारा अभी ठेला लगाता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, हो 10,000-5,000 फीस वो कैसे दे देगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाज वहाँ पर बढ़ चुका है जिसके पास सैलरी इनकम जिस पेरेंट्स की 50,000 रुपये है तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो बच्चा, और जो गरीब बच्चा है वहाँ तो समाज बढ़ गया ना, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको एक बैलेंस लाना चाहिए समाज में, ताकि फीस उतनी कम कर दे, सब एक लेवल पे आ सके। और सारी चीज़ें स्कूल में भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं टीचर्स, जैसे अब चाहे वो थोड़ा करा दिया क्वेश्चन तो वो स्कूलों पर कोचिंग, आप तो कोचिंग पढ़ ही रहे हो, पेरेंट्स स्कूल वाले टीचर्स ज़्यादातर ये करते हैं, तो थोड़ा सा वो कम करें। बच्चे के हर बच्चे में टैलेंट है, अगर 40 बच्चे मेरी क्लास में बैठे तो 40 के पास टैलेंट है, मैं अगर 10 ही को देखूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा एक टीचर के लिए। जैसे कि अब शुरू से स्कूल में ही बात करूँ तो मैं भी इतना टॉपर नहीं रहा सर, ठीक है, टॉपर नहीं रहा कि बहुत 90% आ रहे हैं, तो मैं उस बच्चे के पीछे जो बच्चा बैठा उसका दर्द समझता हूँ। तो सपोज कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया तो वो उनके तो समझ में आया, मेरी कोशिश ये रहती है कि पीछे वाला बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको भी समझ में आए सारी चीज़ें, तो तब थोड़ा सा बच्चे को एजुकेशन में आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो अब उन बच्चों के लिए जैसे आप कह रहे हैं जो बैक बेंचर्स हैं जिनको, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि जो टॉपर्स हैं उनके साथ कॉप अप करने में, उनके साथ उनको लाइन पे लाने में उनको दिक्कत होती है, तो वो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना वो वहीं पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं कि 12th के बाद अगर नंबर कम आते हैं तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, उनके पेरेंट्स को जिनने ऐसा प्रेशर बनाया हुआ है कि भाई जो आपको करना ही करना है, IAS का करना है तो करना ही करना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना चाहिए, नीट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये सर, ये जो सवाल आपने पूछा ये तो पूरे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अभी नीट का ये जो रिजल्ट आया NTU वाले में जो रहा, तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, उन्होंने ये कह दिया कि बेटा तेरे को लाना ही लाना है, तेरे को टॉप करना ही करना है, आप क्यों कह रहे हो, किसी बच्चे की लाइफ के लिए एक एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी कर रहे हो, उसको निकालेगा तो IIT की तैयारी आप करवाइए, अपना शरीर वो अच्छा कर लेगा, प्रिपरेशन से माइंड सेट कर ले, उससे ये कहना है कि निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो आप लाइफ में कुछ और कर लेगा। कई लोग ऐसे कर रहे हैं जिनसे एग्ज़ाम नहीं निकला है, कहते हैं कि भाई अगर कोई अधिकारी है जैसे कोई शिक्षक है उनका एग्ज़ाम उन्होंने दिया हुआ नहीं निकला, अगर निकल जाता तो वो टीचर ही क्यों बनते फिर? बिल्कुल सही बात है। तो पेरेंट्स को उतनी चीज़ें बातचीत करें उससे, कई पेरेंट्स मैंने भी देखे सर बहुत अच्छे, कोई चिंता नहीं हो रहा है, ठीक है तेरा जो मन कर रहा है वो कर, थोड़ा सा 3D मूवी में भी बताता वो बच्चे के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बिल्कुल प्रेशर ना दें, क्योंकि उस समय जब 14-15-16 की जो एज होती है लड़की की भी गर्ल्स में भी गर्ल्स प्रॉब्लम रहती है, बॉयज़ के तो बॉयज़ प्रॉब्लम रहती है दोनों की बच्चों को, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चे की चलती रहती हैं, उससे बातचीत करें। अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, उसको दोस्त की तरह वो अपने दुख बता सके कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को याद नहीं हो रहा है, क्लास में ही टीचर, हम तो बहुत डरते थे क्लास में जब कोई मैथ का क्वेश्चन हुआ समझ में नहीं आया तो नहीं पूछा, सर से नहीं पूछा, आजकल मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हाँ वो पूछे ज़बरदस्ती, तो ठीक है। वो ऐसे करके थोड़ा सा बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए और पेरेंट्स को वो चीज़ थोड़ी, ठीक है, बहुत बढ़िया था। अब तो एक जैसे आपने कहा ना कि हम अपने टाइम पे अगर हम पुराने में बात करें कि हम डरते थे, लेकिन आज का बच्चा नहीं डरता है, या हम कहें कि हमको ऊपर से ऑर्डर है कि आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हो, तो आपका क्या मानना है, वो चीज़ सही है कि गलत है? अगर जैसे अब तक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, जितने 1,000-1,200 मैंने इतने सालों में बच्चे पढ़ाए 10th वाले, ठीक है, मेरे को हाथ उठाने की सर जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, हाँ ठीक है, ऐसी बॉन्डिंग बना ली मैंने, जैसे अभी चाहे वो बीच में ना सर टीचिंग भी अभी अलग करनी पड़ रही है, ठीक है, फ्रेंडशिप, हाँ टीचर्स को, अगर उस समय के टीचर्स आप अपने फैक्ट पे ही काम करोगे तो आप आज के समय अच्छे टीचर नहीं हो, आप बोरिंग हो जाओगे। हम ही सो जाते थे क्लास के पीरियड में, तो आपको जैसे आपने एक क्लास है उसको थोड़ा सा पढ़ाया, बीच में कुछ ऐसा मसाला डाल दिया ताकि बच्चे हंस गए, उन्हें ये भी ना लगे कि सर ने जो मारा, किसी का बच्चे का ही रोस्ट कर दिया, तो वो चीज़ आगे तो उन्हें एक अट्रैक्शन बहुत देना जरूरी है, तब बच्चा जो है आपके पास जो है जुड़ा रहता है, अट्रैक्ट रहेगा। अभी जैसे क्लास हम देखेंगे तो मैं 4 घंटे की सर क्लास लेता हूँ, 7 से 11, अच्छा अभी ठंडों का हो गया, तो 7 से 11 बजे तक टाइमिंग जब किसी को आप दे रहे हो, आजकल रील्स जो चल रही हैं उसमें 60 सेकंड में बच्चा पहचान ले रहा है,
तो वो रोकना मुश्किल बात होती है, तो वैसे ही चीज़ें करना ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए, जिससे रुका रहे बच्चा और वो आपकी बातों को समझे। अच्छा ठीक है, उस तरीके से बच्चों को वो हम कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है इंटरेस्ट वे में, और रटाने की फैक्ट को रटाने की कोशिश ना करें और उसके अंदर जो है अच्छा व्यक्तित्व पैदा करें, ठीक है, कि अच्छा इंसान बने सबसे पहले वो। अच्छा ठीक है, अब सर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मेरे ये, जैसे कुछ बच्चे, जैसे आप कह रहे हैं कि आप 7 से 11 पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपको क्या पसंद था, सुबह उठ के पढ़ना कि लेट नाइट तक पढ़ना? हाँ तो सर मुझे लगभग 4 से टाइमिंग सही रहती है, और 10 से 4 का जो नींद का गैप है, सोने का टाइम है, वो 10 से 4 का मुझे सही लगता है। ओके, और फिर बाकी पूरे दिन भर आप काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट बुक से पढ़ना पसंद करते हैं कि नोट्स बना के पढ़ना पसंद करते हैं? मुझे ज़्यादा पर्सनली बताऊँगा तो नोट्स बनाना मेरे को ज़्यादा लगता है सही। अगर सपोज हिस्ट्री की बुक्स है, ठीक है, हिस्ट्री का अगर मैं कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ा बता दूँ, तो शुरुआत जो बच्चा करता है वो एनसीईआरटी से करा, जैसे मैंने बताया, तो एक ले ली हमने साइड बुक अभी दृष्टि की है, तो जो शुरुआत कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और साइड बुक साथ में रख दी, दोनों का एक सीक्वेंस मिलाना बहुत ज़रूरी है, वो सीक्वेंस जब वो लिखेगा तो एक प्रॉपरली नोट्स बन जाते हैं, वो काम आते हैं एग्जाम से कुछ समय पहले जो रिवीजन के टाइम में। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे दूसरी चीज़ ये भी होती है अगर बच्चा मेंस भी लिख रहा है तो वहाँ ठीक है रामबाड़ से। चलिए गुड, अगला क्वेश्चन है, आप ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑफलाइन एजुकेशन को? फिलहाल अगर दोनों, मैं तो दोनों कहूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप जो दे सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं दे सकते, और ऑनलाइन में जो दे सकते हैं वो ऑफलाइन में, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों एजुकेशन का महत्व है, और जैसे कहेंगे कि थोड़ा सा सस्ती है जो ऑनलाइन एजुकेशन है, टीचर्स जैसे कि अभी कोरोना के वजह से जो बदला माहौल है तो बहुत ज़्यादा ही हुआ, कुछ इंस्टीट्यूट बहुत आगे बढ़े ऑनलाइन क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने अगर हेडफोन लगा लिया तो एक लेक्चर ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ ऑनलाइन में सुधार करने की है कि हमें एक तो माइक जो भी आवाज़ का बच्चे के अंदर अच्छे से अगर चीज़ें पहुंच रही हैं तो वो बच्चा भी 2 घंटे देखेगा सर, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो वो 2 घंटा बैठ पाएगा ऑनलाइन, लेकिन कुछ बच्चे ने हमें बताया कि सर हम ऑफलाइन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में सर दर्द हो जा रहा है। अच्छा, तो एक ये थोड़ी सी वो है कि अगर क्वालिटी मिल जाएगी उसे साउंड की या जो भी है तो बच्चे के लिए दोनों ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सर, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी सारी बातें हम लोगों को बताई, तो लास्ट में कुछ एक संदेश अपने युवाओं को आप देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले अपने माता पिता, ज़िंदगी में अगर आप बनने हो सबसे पहले अच्छे इंसान बनिए, माँ बाप अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, आप गरीब हो या करोड़ों रुपया भी, आपके माँ बाप खुश नहीं है तो बेकार है आपके, बच्चों से ही कह रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़, बच्चों को अगर हम सपोज़ मान लो मेरा ही बच्चा है, कह रहा पापा मुझे फ़ोन चाहिए, मैंने उसे एप्पल का ला के दे दिया, पापा स्कूटी चाहिए स्कूटी ला के दे दी, हर चीज़ बच्चों को उपलब्ध नहीं करानी है जिससे उसको उस चीज़ का महत्व पता नहीं चलेगा, चाहे आपका बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा हो सर, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे को उसकी हर चीज़ की वैल्यू पता चलेगा तो वो अपने आप आगे जाके काम करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हम चाहेंगे आप आगे और भी वीडियोज़ में आते रहें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम में जरूर आऊँगा जी, जरूर सर, थैंक यू सर।